हमारी इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति तैयार हो गई है। ये लगभग 80% तैयार हो गई है। इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ कागज का यूज किया है। इसे बनाते वक्त मैंने कागज को एक दूसरे के साथ चिपका के बनाया है। ये इस मूर्ति का निर्माण करते वक्त मैंने किसी भी मोल्ड का यूज नहीं किया है, मतलब ये मूर्ति हमारी बिना मोल्ड की इको फ्रेंडली तैयार हो गई है। ये हमारी इको फ्रेंडली बिना मोल्ड की तैयार की गई मूर्ति है। मेरे ख्याल से ये दुनिया की इकलौती मूर्ति है जो बिना किसी मोल्ड से बनाई गई है और जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ पेपर को एक साथ चिपका के बनाया गया है। इस मूर्ति को बनाना काफी आसान है। इस मूर्ति को बनाने की पूरी प्रोसेस मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताई है, तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। इस मूर्ति को हम व्हाइट पेपर के सहारे पूरी तरह से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो पेंट किया जाएगा वो अच्छी तरह से बैठ पाएगा। जगासा तारणहार तू या विश्वासा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्त जीता मना पुरहिता महाद्वारया नगरी सा तू महाद्वारया नगरी सा तू दैवत अमुसा विनायका तू दैवत अमुसा हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तू ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक सुखकर्ता तू दुखहर्ता बप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बप्पा विनायका सर्वजनार्थ प्रिय दैवत बप्पा विनायका महाद्वारया नगरी सा तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तू ईश्वर हे गजानन 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 अभी हमारी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति तैयार हो गई है। इस मूर्ति को मैंने व्हाइट कलर के पेपर चिपका दिए हैं। अभी ये पेपर सूखने के बाद इसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे। इको फ्रेंडली गणेश जी की इस मूर्ति बनाने के लिए मुझे आर्यन ने काफी मदद की है और इस मूर्ति को पेंट करने के लिए भी आर्यन मुझे काफी मदद करेगा। तो इस मूर्ति को पेंट करते हुए हम देखेंगे आने वाले नए व्लॉग में। अभी इस मूर्ति को पेंटिंग करते हुए हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।